आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 23 जुलाई 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद देश भर में अब बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 12,57,810 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 3,65,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 4,31,144 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 7,96,193 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 30,059 है। अब तक देश में कुल 1,50,75,396 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 24,000 पार कर गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 9,600 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 24,842 पहुँच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 7,236, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 16,836, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 770 है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज्यादा है, उनमें विदिशा का भी शुमार हो गया है। प्रदेश में वर्तमान में इंदौर में 6,339 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,602, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 300 है। भोपाल में 4,669 कुल मरीज एक्टिव मरीजों की तादाद 1,330, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 144। उज्जैन में 1,024 एक्टिव मरीजों की तादाद 140, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 71। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,401 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 312, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8। नीमच में 558 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 65, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8। ग्वालियर में कुल 1,798 संक्रमित मरीजों में से 706 एक्टिव एवं 9 लोग कालकल्वित हुए हैं। जबलपुर में कुल मरीजों की संख्या 864, एक्टिव मरीजों की तादाद 327, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 21। बुरहानपुर में कुल 451 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 17, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। सागर में कुल मरीजों की संख्या 571, एक्टिव मरीजों की तादाद 119, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 28। खंडवा में 542 कुल एवं एक्टिव 102, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। खरगोन में कुल 571 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 139 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 16। भिंड में 422 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 54 है एवं एक मरीज का निधन हुआ है। देवास में कुल मरीज 396, एक्टिव मरीजों की तादाद 128, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। रतलाम में कुल तादाद 329, एक्टिव मरीजों की तादाद 87 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 7। धार में कुल संक्रमित मरीज 325, सक्रिय मरीजों की तादाद 129 तथा जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। मंदसौर में कुल 324 संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 107, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 10। बड़वानी में कुल 289 संक्रमित मरीजों में से 94 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 5। शाजापुर में कुल मरीज 239, एक्टिव मरीज 139 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 4। शिवपुरी में कुल मरीज 253, एक्टिव मरीज 88, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2। टीकमगढ़ में कुल मरीज 269, एक्टिव मरीज 113 एवं 7 मरीजों का निधन हुआ है। रायसेन में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 242, एक्टिव मरीजों की संख्या 126, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 5 है। इसी तरह विदिशा में कुल मरीज 209, एक्टिव मरीज की तादाद 99, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। मानधाता से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। मानधाता को लेकर बुधवार से ही खबरें चल रही थी, गुरुवार को उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। 15 दिनों के अंदर कांग्रेस को यह तीसरा बड़ा झटका है। नारायण पटेल के इस्तीफे के साथ ही एमपी में कांग्रेस विधायकों की संख्या अब 87 रह गई है।
प्रदेश में कांग्रेस से विधायक संभले नहीं संभल रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी इस्तीफों का दौर नहीं थम रहा है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक लाइन में लगे हुए हैं, हालांकि नारायण पटेल कहां जाएंगे इसे लेकर कोई जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन नारायण पटेल का बुधवार से ही फोन बंद था। प्रदेश कांग्रेस को 15 दिनों के अंदर यह तीसरा बड़ा झटका है। इससे पहले कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और सुमित्रा देवी पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके बाद कमलनाथ ने भोपाल में विधायकों की बैठक भी की थी, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। बैठक के 3 दिन बाद ही एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। खंडवा जिले के मानधाता से विधायक नारायण पटेल ने फोन बंद होने के बाद फेसबुक पर लिखा था कि मेरे बारे में चल रही खबरें अफवाह हैं, क्योंकि कांग्रेस खेमे में बुधवार से ही इन्हें लेकर खलबली मची हुई थी। कांग्रेस के तमाम आला नेता इनसे संपर्क करने की कोशिश में थे। बुधवार देर शाम केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से इनकी बात भी हुई थी। उसके बाद अरुण यादव ने कहा था कि वह सकुशल हैं। विधायकों के इस्तीफे से प्रदेश में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश में अब 87 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। बीजेपी को सरकार में रहने के लिए अब सिर्फ 9 विधायकों की आवश्यकता है। नारायण पटेल के इस्तीफे के बाद एमपी में 27 सीटों पर उपचुनाव होंगे। भारत के चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 26 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया है। यह उपचुनाव सितंबर माह में संभावित थे। इसके अलावा आयोग ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनावों को भी स्थगित करते हुए कहा है कि जैसे ही स्थिति अनुकूल होगी वैसे ही चुनाव करा लिए जाएंगे। अगले 2 माह में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के चलते उपचुनाव को स्थगित करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना काल में उपचुनाव कराना संभव नहीं है। इधर 2 दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक साक्षात्कार में सितंबर तक चुनाव कराने की बात कही थी। इसके बाद प्रदेश में चुनाव की हलचल तेज हो गई थी और पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी भी तेज कर दी थी। 26 सीटों पर एक दूसरे की पार्टियों से नेताओं को अपने खेमे में मिलाने के दौर के बीच अब पार्टियों को निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव अब आगे बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में तय संख्या से ज्यादा मंत्री बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान सरकार को नोटिस भेजा है। बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 2 जुलाई को कैबिनेट विस्तार किया है। कैबिनेट विस्तार में 28 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल हैं। मध्य प्रदेश में इस समय 33 मंत्री हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार का मुद्दा उठाया है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या के मुताबिक 34 मंत्री नहीं बनाए जा सकते। विधानसभा में जितनी सदस्य संख्या है उसके हिसाब से विधानसभा सदस्यों की 15 संख्या से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ये वैधानिक व्यवस्था है, लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल में तय संख्या से ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। प्रजापति ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एनपी प्रजापति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने पैरवी की। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते क्राइम को नियंत्रण में कर रखने के लिए सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पुलिस को बदमाशों पर कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया है। अब पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए स्वयं कोई भी उचित फैसला लेने में सक्षम होगी। वहीं अगर पुलिस कार्रवाई के दौरान कोई भी गुंडा बदमाश पुलिस पर जवाबी हमला करता है तो उसका एनकाउंटर तक करने से नहीं चूकेगी। सीएम के फैसले की शुरुआत राजधानी भोपाल से की गई है। इसके बाद धीरे धीरे करके प्रदेश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। बता दें कि बुधवार को भोपाल के रातीबड़ इलाके में हत्या के मामले में फरार बदमाश शेखर लोधी का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। भोपाल रेंज एडीजी उपेंद्र जैन ने
भोपाल पुलिस को गुंडे बदमाशों पर इसी तरह कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया है। एडीजी उपेंद्र जैन के मुताबिक पुलिस पर हमला करना अब बदमाशों के लिए अपनी जान गंवाने के बराबर होगा। ऐसे बदमाशों का एनकाउंटर करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को बदमाश चैलेंज करेंगे तो उन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पुलिस गोली चलाने से पीछे नहीं हटेगी। एडीजी ने बताया कि शहर में टॉप 10 और टॉप 20 बदमाशों की छटनी कर ली गई है। इसी लिस्ट के मुताबिक अब बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस के लिए अब सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। ऐसे में पब्लिक का भी कर्तव्य है कि वो शहर में गुंडागर्दी को ना पलने दे। भोपाल पुलिस ने शहर के छोटे बड़े 1700 बदमाशों की लिस्ट भी बना रखी है। इसी लिस्ट में शहर के टॉप 10 और टॉप 20 बदमाशों को चिन्हित किया गया है। पुलिस का सर्विलांस बदमाशों के लिए ओपन है और इसी सर्विलांस की मदद से बदमाशों पर नकेल कसी जाना शुरू हो गई है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95% से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस वालों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में एक ही जिले में 3 साल से जमे पुलिस वाले इधर से उधर किए जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने इस बड़े बदलाव के लिए आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार 3 साल से एक ही जिले में पदस्थ कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का तबादला किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि एमपी पुलिस में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय नए सिरे से आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मी एक ही जिले में 3 साल से अधिक समय से पदस्थ हैं, उनकी सूची तैयार कर 1 महीने के अंदर संबंधित जिले से हटा दिया जाए। साथ ही सभी पुलिस इकाइयों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने जिले में पदस्थ मैदानी पुलिसकर्मियों में फेरबदल किया है। यह फेरबदल मुख्यालय के आदेश अनुसार होगा। बता दें कि इस काम के लिए रेंज स्तर पर ट्रांसफर बोर्ड का गठन किया है। अब पुलिस मुख्यालय का इसमें कोई दखल नहीं होगा। यह ट्रांसफर बोर्ड अपने स्तर पर पुलिस मुख्यालय के आदेशों का पालन करते हुए पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर करेगा। आदेश के बाद से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। इस बार ट्रांसफर को रोकने को लेकर राजनीतिक जोड़ आड़े ना आए, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय सख्त है और किसी भी तरीके के राजनीतिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश के सिवनी जिले में गेहूं उपार्जन समाप्त हुए 2 माह बीतने को है। इसके बाद भी उपज बेचने वाले सैकड़ों किसानों को भुगतान के लिए भटकना पड़ रहा है। बारिश में भीगने के कारण सड़कर बर्बाद हुए 9672 क्विंटल गेहूं खरीदी केंद्रों में बेचने वाले किसानों का 1.86 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया है। गेहूं सड़ने से अटके भुगतान ने किसानों को फजीहत में डाल दिया है। गोदाम पहुंचने से पहले गेहूं के बर्बाद होने के कारण उपज बेचने वाले किसानों को भुगतान नहीं मिला है। लाखों रुपये का गेहूं बेचने वाले किसान भुगतान की आस लगाए महीने भर से इंतजार कर रहे हैं। उपार्जन में बरती गई लापरवाही से सड़कर खराब हुए गेहूं के कारण किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। किसानों को कब अपनी उपज का दाम मिलेगा यह तय नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन ने ऐसे 52 चिन्हित किसानों को खराब हुए गेहूं का भुगतान दिलाने जिम्मेदारों से वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। उपार्जन के दौरान लापरवाही बरतने वाली समितियों, परिवहनकर्ता व अन्य विभागों के जवाबदार कर्मचारियों को वसूली के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय से नोटिस भेजे जा रहे हैं। गेहूं खराब होने से हुई नुकसानी की संबंधितों से भरपाई कर किसानों को भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में 3 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और मौत की घटना में शामिल आरोपियों का मामला फास्ट ट्रैक को में ले जाकर इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा कराने के निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया कि इस घटना की तत्परता से कड़ी जांच की जाए
और प्रकरण फास्ट ट्रैक अदालत में चलाकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में माफियाओं, गुंडों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ऐसी किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बेटियों के विरुद्ध अपराध पूरी मानवता के खिलाफ है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 13 जुलाई और 20 जुलाई को कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने एसपी और कलेक्टर को माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि किसी भी जिले में कार्रवाई होने में लापरवाही होती है तो इसके लिए कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में बड़े सफेदपोशों, गुंडों और अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग बालिकाओं के साथ आपराधिक कृत्य करने वाले सफेदपोश मीडिया से जुड़े प्यारे मियां के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई और अतिक्रमण पर बनाई उनकी संपत्तियों को धराशायी किया गया। उनके विरुद्ध अपराध के जितने अन्य मामले थे उनकी भी जांच सख्ती से की जा रही है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 23 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 24 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।